तो आज जिस तरह के आप जानते हैं कि हम लोग अपने 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर हम बेसिकली देखें तो सबसे पहले थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी बनती है, हम वो कर लें। अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हुए हैं, तो हम अगर देखें कि हमारा कितना सिलेबस जो है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो तकरीबन 25.7% जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब पीछे हमारे 4 चैप्टर्स बचते हैं और वो हमारा तकरीबन 34.2% बनता है। ठीक है, तो अब वो वाला सारा किस तरीके से कंप्लीट होगा, अगर हम इन कंसाइज नोट्स की बात करते हैं तो ये अपडेटेड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो चैप्टर 4 दिया हुआ है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो ये आप लोगों ने नहीं करना, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क कर दिया। ये आप लोगों ने नहीं करना, ये सारा हम लोग स्किप करेंगे और हम आगे चल रहे होंगे। आगे जाकर भी हमारे पास एक चैप्टर आएगा जिसको हमें स्किप करना है, और उसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया कि हम लोगों ने ये वाला चैप्टर भी नहीं करना। और विद इन 2 टू 3 वीडियोज जो हमारी नेक्स्ट होंगी, तो हमारे 60% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये भी हम लोगों ने नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ चेंजिंग आई है, तो उस चेंजिंग में ये भी हमारे पास नहीं है इंक्लूडेड। उसके बाद हमारे पास जो इंक्लूड है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन से हैं। ये हम सिलेबस पे चले, सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ये वाले 4 चैप्टर्स। ठीक है, इस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। तो इससे पहले ये जो सिस्टम के कंसेप्ट हैं और सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक आ गया इसमें, और डिजिटल ट्रांजेक्शन आ गई। ठीक है, इनकी बात करते हैं। अच्छा, जो सिस्टम कंसेप्ट है ना, इस सिस्टम ये हमारे पास हैंड आउट मौजूद है। ठीक है, जो हमें इंस्टीट्यूट ने हैंड आउट्स दिए ना, उसके अंदर ये चारों जो है कवर हो रहे हैं। ठीक है, एक 7 पेजेस का है और एक 27 पेजेस का है, तो इसी के राउंड अबाउट है, तो उसमें हमारा ये कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगली 2 3 वीडियोस के अंदर ही हम इस सारे को कंप्लीट कर देंगे, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम कॉन्सेप्ट के 7 पेजेस हैं हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, और एक ओवरव्यू ले ले कि जो अगला हमारे पास हेड आउट है उसके अंदर जो 27 पेजेस है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ। ठीक है, उसके अंदर ये तीनों सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है ये कम्प्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 60% का जो सिलेबस है वो हमारा कवर हो जाएगा, बाकी बचेगा 40% का। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये 60% भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप लोग पास ही के 50% जो कर रहा है या सॉल्व कर रहा है वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये इतना भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप लोग पास हो जाएंगे। यानी कि कोई 10 वीडियोस अगर कोई बंदा देख लेता है ना, मतलब टोटल 10 लेक्चर जो आएंगे मेरे, वो आप लोग देख लेते तो आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने उसको खुद से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिर्फ मेरे सुनने से बात नहीं बनेगी, आप लोगों ने मेरा सुन लिया तो आप लोग पास हो जाएंगे। खैर, सिस्टम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये वाला चैप्टर जो है ये हमें बताता है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके सिस्टम्स क्या होते हैं, CPU क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस का कुछ बता देता है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग कुछ कहीं के कपलिंग के ये वाले कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। अगर हम सिस्टम एक्विजिशन की बात करते हैं तो उसके वो हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि हम लोगों ने एक सिस्टम को डिवेल्प किस तरीके से करना होता है, वो वाली चीजें आ जाएंगी। और अगर हम फिनटेक की बात करते हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और IT को मिक्स करके अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो सारी चीजें, और डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें से आप लोगों को पता लग गया कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 करना है। इसके अलावा भी हमारे पास एक चैप्टर है आगे जाके आता है, और वो भी हम लोगों ने स्किप कर देना है। इसका भी ओवरव्यू हो जाएगा, ताकि जो लोग अपने तौर पर मतलब प्लेलिस्ट में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है जहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। अगर खुद अपने तौर पर आप लोग पढ़ रहे हैं या वीडियोस नहीं भी देख रहे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सी ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको स्किप करना है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर नंबर 7 है इसको मैं रेड हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी हम लोगों ने नहीं करना। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर नंबर 7 है ये भी हमें नहीं करना, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT पहले हुआ करता था, लेकिन अब जब से चेंजिंग आई है तब से ये पार्ट नहीं रहा इसका। ठीक है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, इससे भी नहीं है, तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, इसको भी अब हम लोगों ने स्किप कर देना है। आगे चलते हैं नीचे।
उसके बाद ही हमारे पास ये वाला आ जाता है, ये ऑडिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसमें आप कहने की ये ऑडिटिंग सिस्टम एक्विजिशन और डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हो, इसलिए हम लोग ये वाला कर ले लेंगे। ठीक है, तो येलो से कह देती हूँ उसने, ये वाला हमने कर लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होगा ये भी, देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है इसलिए इस पर की देर भी नहीं लगेगी, तो ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद ही हमारे पास ये आ गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, ये हम लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, ठीक है, मेरे ख्याल से यही दो बचते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों ही हम लोगों ने कर लेंगे। ये वाला शायद थोड़ा सा लेंथी हो जाए। बस ये है जो थोड़ा बहुत लेंथी है। तो अब आप लोग ये देखिए कि 135 पेजेस पे था, और ये भी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करना, और वहां से सिर्फ 7 पेजेस एक करने और 27 एक करनी है, तो हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब ये देखिए, वो थोड़ा बहुत लेंथी था, लेकिन ये जो 10 है ये उतना भी लेंथी नहीं है, उससे भी छोटा हो जाएगा। हमारे पास बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी का भी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, और आज के आज ही कंप्लीट कर लें, ताकि आप तक सारी वीडियोस जो है वो पहुंच जाए। उसके बाद जो एमसीक्यू में भी हम लोग कल करें, अगर आज टाइम नहीं बचता तो इसके अलावा जो ये है कि हमारे पास अगर कोई चीज, जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास FSCR AMA या CGPLE का अगर कोई टॉपिक आप लोग समझना चाह रहे हैं, या आप लोग उतना नहीं पता, जिस तरह की अपडेटेड वाला, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम उसकी वीडियो जरूर 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 बनाए। और अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता, तो उसके लिए भी आप लोग बताइएगा, फिर हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बिना ज्यादा टाइम जाया किए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिस्टम कंसेप्ट। सिस्टम कंसेप्ट में हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट लिस्ट दी हुई है, इसको देख लेना, ये भी बहुत जरूरी है, और इसमें पता लग जाएगा कि जो कॉमन चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो हम लोग एक उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे माइंड में, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनको देखेंगे ये क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है, सीपीयू, जिस तरह आपको तो पता होता है कि जो जब भी हम लोग कंप्यूटर लेते हैं हमारे पास एक सीपीयू होता है, और उसी के थ्रू जो है हमें डाटा, जो भी हमारी वर्किंग हो रही होती है सीपीयू के तहत ही हो रही होती है। ठीक है, उस सीपीयू के अंदर ही एक हमारे पास एक मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। उसके बाद ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रैम है, रैम हमारे पास आ जाती है कि हम लोगों ने जो, जिस तरह से कि मेरा डाटा है, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं कि जब हम लोग एक सिस्टम को ऑफ कर देते हैं ना, तो वो मेमोरी उसी टाइम इरेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर लेंगे। वैसे तो हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेज जो है चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी हुई है, तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे भी ले लेंगे, कुछ 2000 टाइप देखी हुई है इसकी। उसके बाद पावर सप्लाई यूनिट की बात करते हैं, तो आपको पता है जिस तरह के इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे पास आ रहा होता है, और उसके बाद जब हम लोग उस इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली सप्लाई, पावर सप्लाई यूनिट ने क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है ना, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि जिस तरह, जिससे कि कंप्यूटर उसको यूज कर ले। ठीक है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का आप लोगों को पता है कि जो, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं वो ये इनपुट डिवाइसेस, और जो कंप्यूटर हमें डेटा प्रोवाइड करता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो जाती है, जिस तरह के हमारा कीबोर्ड हो गया, हम इसके तहत इसके अंदर डेटा जो है इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस आ जाएगी, माउस आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आउटपुट की बात करें, तो हम लोग जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है वो सारा हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, प्रिंटर और मॉनिटर वगैरह हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है। उसके बाद बाउंड्री एंड इंटरफेस की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि बाउंड्री क्या होती है, और इंटरफेस मतलब जो चीज हमें नजर आ रही है वो इंटरफेस हो गया, और बाउंड्री जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इन्वायरमेंट का जो रिलेशन होता है उस, वो भी बाउंड्री के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल, फीडबैक, कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वगैरह, इसके बारे में देख लेंगे ये क्या चीजें होती हैं। और जिस तरह के ये मैंने सिस्टम कंसेप्ट में आपको बताया था, वही इनका कपलिंग का और साइनर्जी का, तो इसके कुछ हमारे पास कुछ डिफाइंस आ जाती हैं।
ठीक है, वन बाय वन करके ये सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक ही लेक्चर में हम लोग खत्म कर लें। तो शुरू करते हैं सिस्टम कंसेप्ट। इसमें एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम पर मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, और ये हर किसी को उसके पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ये सबको मिल जाएगा वहाँ पे, जस्ट चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस, मैनेजेस डेटा मैनिपुलेशन। मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑफ्टन हैव मल्टी कोर प्रोसेसर दैट अलाउ देम टू हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। जिस तरह के आप लोगों को बताएगी, एक हमारे पास जो है सीपीयू, उसमें कुछ प्रोसेसर वगैरह लगे होते हैं। जितने ज्यादा प्रोसेसर होते हैं ना, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी होती है। इसका बेसिकली ज्यादा जो है वो स्पीड से रिलेट करता है, क्योंकि हम लोग फिलहाल इतना डेप्थ में ना भी जाए तो हम लोग ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि जी उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, हम जो भी इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ही बजाय दो लगे होंगे प्रोसेसर या तीन लगे होंगे, तो जितने ज्यादा प्रोसेसर होंगे, जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा, जी वो पबजी बहुत ज्यादा फेमस है कि वो खेलते हैं, तो उसके लिए जितने ज्यादा अच्छे प्रोसेसर होंगे वो उतना ज्यादा अच्छा खेला जाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है गेम्स खेलते हुए। अच्छा जी, उसके बाद मेमोरी की बात कर लेते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू नीड्स व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग इट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। वही बात जो कि मैं आपको बताया था कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जब हमारा ये कंप्यूटर है, जब सिस्टम हम बंद कर देंगे तो इसकी जितनी भी मेमोरी होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रैम। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम ये चैप्टर टू में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि इसकी तीन टाइप्स यहाँ पे दी हुई है। और इसमें लॉन्ग टर्म डिवाइसेस के बारे में बताया गया कि वो ऐसी डिवाइसेस जो कि लॉन्ग टर्म तक डेटा स्टोर कर लेती हैं, उसकी टाइप्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डेटा इन द लॉन्ग टर्म। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव्स और ऑप्टिकल ड्राइव्स। एज यूजुअल, जैसे मैं दोबारा से बता दूं कि ये जितनी भी हमारे पास होती है ना टाइप्स वगैरह दी हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, और मे भी ये पास्ट पेपर में ये चीज टेस्ट भी हुई है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस दैट स्टोर डेटा ऑन रोटेटिंग डिस्क। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स फास्टर एंड मोर रिलायबल देन एचडीडीएस यूजिंग द फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। ऑप्टिकल डिवाइसेस ड्राइव्स सच एज डीवीडी एंड द ब्लूरे ड्राइव्स व्हिच यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीपीयू तो काफी काम कर रहा होता है, कंप्यूटर का मेन चीज वही होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास एक चिप लगी हुई होती है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, और वो जितना भी हमारा डेटा होता है कंप्यूटर का वो सारा उसके ऊपर स्टोर हुआ होता है। ठीक है, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। इट हाउसेस द सीपीयू मेमोरी एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स। वेरियस कनेक्टर्स ऑन द मदरबोर्ड अलाउज अदर कंपोनेंट्स ऑफ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो इसके बगैर कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उसके बाद पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो ये पावर सप्लाई यूनिट उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि कंप्यूटर उसको यूज कर ले। दी पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम एन आउटलेट इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज। इट सप्लाईज पावर टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, और इसके अलावा है कोई, तो ये वाले इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। कीबोर्ड यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड कमांड्स, माउस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड नेविगेटिंग ऑन द स्क्रीन, टच स्क्रीन अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले बाय टचिंग इट, माइक्रोफोन कैप्चर्स ऑडियो इनपुट फॉर वॉइस कमांड्स और रिकॉर्डिंग। तो इनपुट डिवाइसेस का पता लग गया। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोसीड बाय द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर डिस्प्ले इज विजुअल आउटपुट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस, व्हाइल प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, एंड स्पीकर आउटपुट साउंड एंड ऑडियो। ठीक है, उसके बाद ये बाउंड्री और इंटरफेस की बात कर लेते हैं। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग रेफर्स टू द डिवाइडिंग लाइन दैट सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इट डिफाइंस दैट इन
defines what is inside the system and what is outside. The boundary is fundamental concept used to understand and analyze complex systems. Understanding the boundary is crucial because it helps in defining scope of the system being studied or developed. उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, वही कि मैंने जिस तरह की आपको बताया था कि बाउंड्री जो होती है वो सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, उसके बाहर क्या हो रहा है, इस चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी डिवेलपमेंट और इसकी सिस्टम की स्टडी करनी है सारी, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, सिस्टम के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल हमें दी हुई है। इन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द बाउंड्री कुड बी द पॉइंट वेयर यूजर इनपुट्स आर प्रोसीड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। In environmental science, the boundary of a study might be the physical limits of the area being researched. अगर हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बात करते हैं तो वहाँ पे बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो होती है कि जो कि इनपुट जो जो यूजर है वो जो इनपुट दे रहा है वो प्रोसेस हो के जो आउटपुट मिल रहा है वो इसकी बाउंड्री होगी। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे बाउंड्री क्या होती है, वो फिजिकल लिमिट्स आ जाती है उसके अंदर। जिस तरह के आपको पता है पहले भी कि मतलब हम लोगों ने कुछ वार वगैरह लगा ली जाती है, बाउंड्री क्रिएट कर ली जाती है, वॉल्स बना ली जाती है, तो फिजिकली में वो चीज आ जाती है। इंटरफेस को देख लेते हैं। इंटरफेस ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट सिस्टम्स और प्रोसेसेस। इट कैन बी अ हार्डवेयर इंटरफेस लाइक ए यूएसबी पोर्ट और अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस लाइक एन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस में जिस तरह की कोई, जिस तरह मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन में जो ये आप लोगों को मेरे नोट्स नजर आ रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इसके अंदर जो आपको ये नोट्स वगैरह नजर आ रहे हैं ये इसका एक इंटरफेस है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, जिस तरह की मैं इसमें ड्रॉ कर सकती हूँ, इस पर मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, तो ये जितने भी इसके फंक्शंस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको एक पूरा इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशन की बात होगी। और उसके अलावा अगर हम लोग हार्ड ड्राइव की बात करते हैं, हार्डवेयर के इंटरफेस यानी कि उसकी शक्लो सूरत की बात कर ली जाती है, तो वो किस किस्म की है? बेसिकली इंटरफेस फेस से याद रखें कि शक्ल की बात हो रही है, तो वो उसका फेस हमें किस तरीके का नजर आ रहा होता है, हम ये चीज देखते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वो किस तरह की नजर आती है, और अगर हम लोग वैसे हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में जिस तरह ये लैपटॉप है तो इसकी शक्ल हमें क्या नजर आ रही है, ये किस तरह का है, ये बुक टाइप है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सारी बातें आ गई। अच्छा, उसके बाद ही हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरफेस, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटरफेस डिफाइन द मेथड एंड प्रोटोकॉल्स दैट क्लासेस यूजेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस, अ जावा इंटरफेस स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ मेथड्स दैट अ क्लास इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड। इसमें आप लोग सिंपली ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो है माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम्पल ले लें, जो कि बहुत कॉमन है यहाँ पे। मतलब आप लोगों ने जावा को तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने अपने पास जो सॉफ्टवेयर है उनको जरूर देखा होगा। तो उसमें जो इंटरफेस है, जिस तरह हम लोग को पता है कि विंडो 10 का एक स्पेसिफिक जो है इंटरफेस है, हमें उसके अंदर क्या देखने को मिलता है। अगर हम लोग 11 की तरफ मूव करते हैं तो उसमें किस तरीके से, तो ये सारी चीजें कि वो किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। उसके बाद ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की बात कर लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, एंड इंटरफेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वेयर यूजर एंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कि एक ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ये वो वाली बात है, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक स्क्रीन, वही ना, स्क्रीन पे किस तरीके से आ रहा है, पेजेस, बटन एंड ऑल द विजुअल ऑडिटरी एंड टेक्टाइल एलिमेंट्स that allow a user to interact with the system, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, हार्डवेयर इंटरफेस, इंटरफेस अलाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड थ्रू अ स्पेसिफिक इंटरफेस सच एज एसएटीए सीरियल एडीए। उसके बाद एनवायरनमेंट पे चले जाते हैं, अगला हमारे पास जो टॉपिक है तो सेकंड लास्ट ही है हमारे पास इसकी बात। तो कुछ तीन डेफिनेशन आएंगी हमारे पास और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट, द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। दीज फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंस, इंप्लीमेंट्स एंड मैनेजेस इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हियर इज हाउ द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसमें क्या था, एनवायरनमेंट में ये रेफर किसको कर रहा है? ये कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं
ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लुएंसेस हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम आई एस नीड्स टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बाय एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स इट्स वैल्यूज, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी कैन इन्फ्लुएंस द एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज और पॉलिसीज आ जाती हैं। रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम आई एस। एडिक्वेट रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव सिस्टम डिजाइन एंड मेंटेनेंस। पॉलिसीज की बात के लिए जो है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड एथिकल गाइडलाइंस इम्पैक्ट हाउ एमआईएस इज इम्प्लीमेंटेड। प्रोसीजर्स फॉर डाटा एंट्री, स्टोरेज, रिट्राइवल आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कि वहाँ के लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनकी लर्निंग स्पीड इतनी अच्छी है कि वो उसको ज्यादा जल्दी पिक कर लेंगे चीजों को। तो ये उस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कि मतलब नहीं, हम लोगों ने अभी मतलब अक्सर आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएंगे, नो डाउट कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है, वहाँ पे कंप्यूटर पे भी एंट्रीज होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने फिर भी इतनी ज्यादा फाइल्स क्रिएट करके रखी हुई होती हैं, उसके बगैर उनका काम नहीं चलता। उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो एक जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कितने हैं। अगर उसका बजट ही नहीं है इतना कि वो आईटी की तरफ मूव कर जाए, तो वो वाली चीज आ गई। उसके बाद अगर हम पॉलिसीज की बात करते हैं, तो पॉलिसीज में उनकी प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी वगैरह वाली चीज आ जाती है, उसमें गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे देखनी है कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है इतनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उनकी पॉलिसीज वगैरह में देखी। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स की बात कर लीजिए, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट कंपटीशन, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं उसके बाद, और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, सोशल फैक्टर्स। वन बाय वन इनको देखेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इम्पैक्ट एमआईएस। न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, बट दे आल्सो रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस टू अडैप्ट एंड अपग्रेड देयर सिस्टम्स कंटीन्यूअसली। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, कि इसके अंदर अगर कोई बंदा पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो उसको चेंज करे और नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करे, क्योंकि चीजें बहुत जल्द जो है नई से नई होती जा रही है। उसके बाद मार्केट कंपटीशन की बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस नीड रियल टाइम डेटा एंड एनालिसिस टू स्टे कॉम्पिटिटिव। एमआईएस हेल्प्स इन गैदरिंग मार्केट इंटेलिजेंस, ट्रैकिंग कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अगर मार्केट कंपटीशन की बात की जाए, तो हम लोगों को पर्सनली तौर पर हर चीज को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन आईटी का यूज करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे कंपटीटर्स इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उस उनकी बात, उनकी चीजों को देखते हुए, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए हम अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि हम लोग मार्केट में किस तरीके से टॉप लेवल पे रह सकते हैं। उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल इंफॉर्मेशन। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स इज क्रूशियल टू अवॉइड लीगल इश्यूज एंड मेंटेन ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन। तो ये जितने भी हमारे पास इसमें लीगल फैक्टर आता है, उस सब के साथ डील करने के लिए भी हमारे पास, क्योंकि वो भी एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाती है। ठीक है, उसमें मतलब जहाँ पे थर्ड पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास आईटी, ये जो एमआई है, ये इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि इसके थ्रू हमारी हर चीज जो है वो इजी हो जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज इन्फ्लेशन, रिसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट बजटिंग फॉर एमआईएस प्रोजेक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशंस मे नीड टू एडजस्ट देयर आईटी इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स।
वही बजट वाली बात आ गई। उसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन की, फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज MIS मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डाइवर्स लैंग्वेजेस प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड अडैप्टेबल MIS इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कभी भी कोई चीज, कोई वेबसाइट इस तरह विजिट की हो, आई थिंक सो कि अलीबाबा या फिर अमेजोन वगैरह अगर आप लोग देखें, तो उसके अंदर क्या है, आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगी, डिफरेंट करेंसीज वगैरह के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। और अक्सर अगर आप लोगों ने दराज भी ओपन किया हो, तो उसमें पहले वो आपसे पूछता है कि आप लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोई भी परचेज करनी है, तो उससे पहले वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये ऑप्शन उसमें भी है। अच्छा, सोशल फैक्टर्स को देख लेते हैं। सोशल फैक्टर्स में चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस इंपैक्ट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज। सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की। ओके, दिस वुड बी द सेकंड लास्ट। कंट्रोल रेफर्स द प्रोसेस इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, सिक्योरली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने काम सोचा हुआ है, अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम लोग वैसे नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, हम लोग IT से ना भी इसको रिलेट करें, फॉर एन इंस्टेंस, तो उसमें भी देखें कि कंट्रोल हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जरूरत होती है कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल हो, तो ही हम पढ़ सकते हैं। हम लोग बहुत, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, बहुत हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम पर कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल हो तो फिर हम लोग जरूर पढ़े। ठीक है, तो ये वही बात है कि आईटी पर भी, आईटी बहुत, हम लोग उसको, उसका यूज करते हुए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके भी हमारे लिए कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भी काम है वो हमारे सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस चीज की मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड सिक्योरली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज एंड मेजर्स डिजाइन टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एसेट्स, डाटा इंटेग्रिटी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी। उसके बाद फीडबैक कंट्रोल की बात कर लेते हैं। फीडबैक कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट परफॉर्मेंस इज यूज्ड टू रेगुलेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब फीडबैक कंट्रोल क्या होता है कि मैं जो भी काम हुए होते हैं पास्ट में, उसके ऊपर एक फीडबैक दिया जाता है कि वो सही हुए थे कि नहीं हुए थे, या उसके अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें बताए गए हैं, जिसमें मॉनिटरिंग, कंपैरिजन, एनालिसिस, करेक्शन, कंटीन्यूअस लूप वगैरह के स्टेप्स आ जाते हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या होता है कि हम लोगों ने पहले देखना है कि असल में जो हम लोगों ने मॉनिटर करना है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस सिस्टम की क्या हुई है, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसको कंपेयर करेंगे, हम क्या चाह रहे थे और कितना काम हुआ। ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जब हम लोगों ने उसमें देखेंगे कि जो डिस्क्रिपेंसेस थी एक्चुअल और डिजायर्ड में, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी वजह से अगर कोई भी वहां पे लूप रह गई है तो उसके कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उस लूप को खत्म करने के लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस बनाएंगे ताकि हमारा नेक्स्ट जो फीडबैक है वो हमें इम्प्रूव मिले। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, उसके बाद हम देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि हम क्या चाह रहे थे और हमें क्या मिला। उसके बाद जो भी उसके अंदर लूप्स रह गए होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट करेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, और उसके बाद उस चीज को कॉन्टिन्यूस रखेंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट फीडबैक है वो हमें अच्छा मिल सके। अब इसको एक दफा पढ़ लेंगे। मॉनिटरिंग, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम और प्रोसेस। कंपैरिजन, द मेजर्ड परफॉर्मेंस इज देन कंपेयर्ड विद द प्लान परफॉर्मेंस और डिजायर्ड आउटकम। एनालिसिस, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड आउटकम्स आर एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई द causes of deviations. Corrective actions are taken to bring the actual performance back on track and closer to the desired goals. These actions could involve process adjustments, employee training, or changes in organizational policies. Continuous loop, the process is continuous as long as the organization is operating. Feedback is continually gathered and used to adjust and improve performance.
उसके बाद यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ये आप अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। फीडबैक कंट्रोल की बात कर लेते हैं। फीडबैक कंट्रोल ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, इट इंक्लूड्स एंटीसिपेटिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस बिफोर द प्रॉब्लम अकर्स। हियर्स हाउ इट वर्क्स, इसकी भी वर्किंग हमें यहाँ पे दी हुई है। फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की, सॉरी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, फीडबैक तो हम पढ़ चुके हैं, ये फीड फॉरवर्ड है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, इट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस बिफोर द प्रॉब्लम अकर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक नहीं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम अकर हुई थी तो हम लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग की थी, लेकिन ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, इसके अंदर हम लोग मसला क्रिएट होने से पहले ही उसका हल ढूंढ लेते हैं कि ऐसा मसला फ्यूचर में हो सकता है तो उससे पहले ही हम उसे देख लें। इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं एंटीसिपेशन के, उसके बाद हम लोग आ जाती है हमारी प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, यानी कि पहले हम देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है या किस किस्म का मसला हो सकता है फ्यूचर में, वो चीज देख ली, उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्लानिंग कर ली कि इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से चेंजिंग लाएंगे या यहाँ से इम्प्रूव करेंगे तो वो मसले का हल हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों ने प्लानिंग कर ली और इसको फाइनल करने के बाद इस प्लानिंग को हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम मॉनिटर करते हैं कि आपको मसला अराइज तो नहीं हो रहा, अब सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये होता है हमारे पास एक फीड फॉरवर्डिंग कंट्रोल। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। एंटीसिपेशन, मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल डेविएशन और इश्यूज दैट माइट अकर इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स, डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च। प्लानिंग, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड टू प्रिवेंट द एंटीसिपेटेड इश्यूज फ्रॉम हैपनिंग, दिस माइट इन्वॉल्व प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, एडिशनल ट्रेनिंग और चेंजेस इन रिसोर्स एलोकेशन। इन इम्प्लीमेंटेशन, द प्लान्ड एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड बिफोर द एक्चुअल प्रॉब्लम अकर्स, एमिंग टू एलिमिनेट द रूट कॉजेस ऑफ पोटेंशियल इश्यूज, सॉरी पोटेंशियल इश्यूज। मॉनिटरिंग, इवन दो द प्रॉब्लम हैज नॉट अकर्ड येट, द प्रोसेस इज मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट द इम्प्लीमेंटेड एक्शंस आर इफेक्टिव एंड दैट द एंटीसिपेटेड इश्यूज आर प्रिवेंटेड। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी हम लोगों ने भी ये कंट्रोल में पढ़ा, फीडबैक और फीड फॉरवर्डिंग। लेकिन फिर भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद एनर्जी का देख लिया जाता है, ये हमारे पास लास्ट आ गया, एनर्जी कपलिंग और कोहेजन का। ठीक है, कोहे और इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स भी आ जाएंगी इसकी, उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी को देख लेते हैं। एनर्जी रेफर्स टू द इंट्रैक्शंस एंड कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस, substances or other agents to produce combined effect greater than the sum of their separate effects. इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब वो आपस में इंट्रैक्शन कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं सिनर्जी। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा सब्सटेंसेस भी आ सकते हैं, कुछ एजेंट्स भी आ सकते हैं, और ये कंबाइन क्यों हो रहे होते हैं कि उनकी एफर्ट्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगी, वो जो काम कर रहे हैं वो इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद जो है उनको एक जो रिजल्ट है वो भी कंबाइंड में एक अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। ठीक है, एज कम्पेयर के वो सेपरेटली काम कर रही होती है, वो इकट्ठी काम कर रही है तो उनका रिजल्ट उन्हें ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ द कॉन्सेप्ट दैट द कंबाइंड इफेक्ट्स एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप पीपल और एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर कैन अचीव अ रिजल्ट दैट इज मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट इफ ईच एलिमेंट वर्क सेपरेटली, तो वही वाली बात है, वो जो इकट्ठा काम करेंगे उस वो ज्यादा बेटर रहेगा कि एज कम्पेयर के अगर वो सेपरेटली वर्क करते हैं। एनर्जी ऑफ्टन रेफर्स टू द बेनिफिट्स दैट कैन अचीव व्हेन व्हेन टू कंपनीज मर्ज और कोलैबोरेट। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वो दो कंपनीज थी वो आपस में मर्ज हो गई, या जिस तरह के हम लोग देखते हैं कि जो एज वॉर थी वो भी आपस में मर्ज हो गई, तो अभी भी देखेंगे कि उनको फायदा हुआ है कि आपस में वो मर्ज हो गई। जितना मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जैज यूज होता है इतना कोई और नेटवर्क यूज नहीं होता। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल हो गई डेली लाइफ से। उसके बाद दिस कैन इन्वॉल्व द कॉस्ट सेविंग, रेवेन्यू एनहांसमेंट और अदर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द मर्जर और पार्टनरशिप। ठीक है, कॉस्ट सेविंग सबसे पहले होगा क्योंकि कुछ इस तरह होता है वर्किंग करते हुए, जब हम लोग वैसे भी अगर हम लोग ग्रुपिंग में आपस में काम कर रहे हैं तो एक एक काम है जो एक पर्सन को आता है दूसरे को नहीं आता, और वो दूसरे को आता है और पहले वाले को नहीं आता, तो दोनों को उस दोनों कामों की जरूरत होती है, लेकिन वो एक एक बंदा हर काम नहीं कर सकता ना, तो वो क्या करते हैं आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो वर्किंग होती है वो भी हो जाती है। वो अक्सर आप लोगों ने मे भी आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो कि वो तीन दोस्त थे और कोई लकड़ी काटता था और
किसी को खाना बनाना आता था और कोई शिकार कर लेता था। तो जब वो हर पर्सन को वो काम अकेले अकेले सारे काम करने पड़ते थे तो उसके लिए मुश्किल होती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा आपस में कि ये बंदा खाना बहुत अच्छा बना लेता है और ये बंदा लकड़ी जो है जल्दी काट लेता है और ये शिकार बहुत अच्छा कर लेता है, तो उन्होंने आपस में काम डिवाइड कर लिया। और जब उन्होंने डिवाइड कर लिए तो जो वो पूरा दिन लगा के 10 से 11 घंटे में काम करते थे अलग 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 अलग, तो वही काम उनका जल्दी होने लग गया, स्पीडली होने लग गया। ठीक है, तो यही बात होती है सिनर्जी में कि हम लोग दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंसेस या एजेंट्स वगैरह आपस में मिल लेते हैं, काम लोग मिल बांट के काम करते हैं तो उनका काम वो भी जल्दी जाता है, उनकी इम्प्रूवमेंट भी आती है उस काम में और उनका जो रिजल्ट है उस काम का वो भी बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है, तो आई होप तो कि सिनर्जी हमारा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कपलिंग की बात कर लेते हैं। कपलिंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स विदन अ सिस्टम। इट मेजर्स हाउ मच वन कंपोनेंट और मॉड्यूल रिलाइज ऑन द अदर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। सिनर्जी की भी अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो सिनर्जी में जो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं वो एक दूसरे पर कितना डिपेंडेंट है, वो बात हम लोगों ने कपलिंग में करनी है। ठीक है, कि एक बंदा दूसरे के पर कितना डिपेंडेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, देयर टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग। टाइट कपलिंग में क्या होता है, इन अ टाइटली कपल सिस्टम कंपोनेंट्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अ चेंज इन वन कंपोनेंट मे रिक्वायर कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स। This kind of coupling can make the system rigid and difficult to modify or maintain because any change can have a वाइड सेपरेट इम्पैक्ट। तो टाइट कपलिंग में कि अगर कहीं पे भी किसी एक कंपोनेंट में चेंज आएगा तो दूसरे को भी उसके साथ ही चेंज होना पड़ेगा, तो और ये इस वजह से काफी टाइटली बाउंड होता है क्योंकि ये दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वो वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि वो तीन दोस्त थे, एक लकड़ी काटता था, अगर वो लकड़ी नहीं काट के लाएगा तो खाना नहीं बनेगा, लेकिन अगर वहीं पे तीसरा दोस्त अगर वो शिकार ही नहीं करके लाएगा तो पकेगा क्या? और अगर वो ही इस बात से इनकार कर ले कि मैं बनाऊंगा ही नहीं तो दोनों के काम करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो एक टाइट कपलिंग की एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। उसी तरह अगर हम इसको लूज कपलिंग की तरफ ले जाए तो इसका मतलब होगा कि इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है कि उनका काम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। इसके अंदर उनका काम एक दूसरे के बगैर चल सकता है, वो इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इनको इसको पढ़ लेते हैं, इन अ लूज लूजली कपल सिस्टम कंपोनेंट्स आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ईच कंपोनेंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड कम्युनिकेट्स विद अदर थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेसेस। Changes in one component can be made without affecting the entire system, making it more flexible and easier to manage. ठीक है, सेम एज इट इज, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया ये। उसके बाद कोहियन की बात कर लेते हैं। कोहियन क्या होती है? कोहियन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस हद तक जो है वो सिस्टम जो है वो आपस में उसके कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन द सिस्टम। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सिस्टम में अचीव करते हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स दी गई है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है फंक्शनल कोहियन, सिक्वेशनल कोहियन, कम्युनिकेशनल कोहियन, प्रोसीजरल कोहियन, टेम्पोरल कोहियन, लॉजिकल कोहियन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाते हैं, टोटल 6 टाइप्स बनते हैं ये। वन बाय वन इसको देखेंगे। फंक्शनल कोहियन कंपोनेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे ग्रुप में एक साथ आ जाते हैं तब मिलके काम करते हैं क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है। अच्छा, सिक्वेशनल में, सिक्वेशनल नाम से पता लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि काम एक बंदा काम कर लेगा फिर दूसरे के पास जाएगा, वो काम करेगा तो फिर तीसरे बंदे के पास जाएगा, नाम से पता लग रहा है। कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सिक्वेशनल ऑर्डर वेयर द आउटपुट ऑफ वन कंपोनेंट सर्व्स एज द इनपुट टू द नेक्स्ट। वही ना कि एक बंदा आएगा, वो लकड़ी लाएगा और उसके बाद वो लकड़ी जलेगी, फिर खाना पकेगा, वहां से वो दूसरा बंदा कोई शिकार करके लाएगा और फिर ही वो सेकंड वाला पर्सन जो है वो खाना बनाएगा। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है कि पहले लकड़ी आएगी, फिर हमारे पास शिकार आएगा, उसके बाद हम लोग उसको पका के खाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कम्युनिकेशनल को इनकी बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर बाय पासिंग डाटा बिटवीन देम, दे ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट एंड प्रोसीजर रिलेटेड आउटपुट। इसके अंदर कंपोनेंट्स आपस में काम कर रही हैं लेकिन वो उतना डिपेंडेंट नहीं होते। इसके अंदर हम वो लूज वाली बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा था ना,
कि हमारे पास लूज कपलिंग होती है, तो इसके अंदर हम लोग कम्युनिकेशनल कोहेशन में वो वाली बात कर सकते हैं कि आपस में काम कर रहे हैं और उसके अंदर वो जो डेटा का जो है वो कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर बाय पासिंग डेटा बिटवीन देम, दे ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट डेटा एंड प्रोड्यूस रिलेटेड आउटपुट। अच्छा, उसके बाद प्रोसीजरल की बात कर लेते हैं। प्रोसीजरल कोहेशन, कंपोनेंट्स आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ कॉमन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर। जिस तरह के अगर आप लोग देखें किसी भी फैक्ट्री में कोई भी काम हो रहा होता है तो वो सब लोग एक ही पर्पज होता है उनका। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग शर्ट्स बना रहे हैं, जिनका यही मकसद है कि उन्होंने शर्ट्स बनानी है, लेकिन वो एक पूरा प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेके उसको सेट करेंगे, उसकी कटिंग होगी, उसकी स्टिचिंग होगी, उसकी पैकिंग होगी, तो वो सारा एक प्रोसीजर है पूरा ना, तो उसके थ्रू काम हो रहा होता है। तो वो जितने पर्सन है उसके अंदर ग्रुप हुए होते हैं, तो ये सारी उसकी बात हो रही है। प्रोसीजर को ये मीन्स प्रोसेस के थ्रू सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। उसके बाद टेम्पोरल कोहेरेंस की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे आर ऑल एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम सच एज विद इन द सेम टाइम फ्रेम और ए स्पेसिफिक इवेंट। कि उसके अंदर क्या था कि प्रोसीजर में वो एक प्रोसीजर का हिस्सा थे। सिचुएशनों की बात कर ले, इसमें उसको रिलेट कर लेते हैं हम। उसके अंदर क्या था, एक पर्सन काम करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे, पहला करेगा तो दूसरा करेगा। लेकिन टेम्पोरल में क्या है कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं और एक ही टाइम में एक ही स्पेसिफिक इवेंट में वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिकल को इनकी बात कर लेते हैं, कंपोनेंट्स आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे ऑपरेट और ऑन सिमिलर डेटा और परफॉर्म सिमिलर एक्शन ऑल्दो नॉट नेसेसरीली इन अ सिचुएशनल टेम्पोरल ऑर्डर। इसके अंदर क्या है कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है कि एक बंदा करेगा तो ही दूसरा करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही टाइम पे काम करेंगे। उनकी मर्जी है, वो जब मर्जी काम करें, लेकिन ये पता है कि वो एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। और इसी के साथ साथ ये हमारा, आप समझ लें, ये जो हमारा चैप्टर 4 था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितना भी हमारा सिस्टम का कंसेप्ट था आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब फर्दर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाले जो 3 है हमारे पास आते, सॉरी फॉर दैट, ये जो हमारे पास 3 आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, इन तीनों को हम लोग ना अपने तकरीबन 1-2 वीडियोस के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी पहले हम लोग ना ये वाले जो है ये पहले वीडियो में हम लोग ये कंप्लीट कर ले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारे पास सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रोसेस और उसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो होगा उसके अंदर हम लोग ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को लास्ट पे रखेंगे, इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बन जाएगी। ठीक है, उसमें हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को देख लेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर किसी को कोई भी मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है जी। अल्लाह हाफिज।